सभी संत लोग वहां आए हुए थे, हिंदू धाम में बैठक थी। उसमें योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद बन चुके थे। अशोक सिंघल जी ने खड़े होकर कहा, महन जी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आज एक बात बता रहा हूं कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तभी राम जन्मभूमि का मंदिर बनना प्रारंभ होगा। ये अशोक सिंघल की बात, अशोक सिंघल की बात उस दिन चरितार्थ हुई जब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि बननी चाहिए, और भारत सरकार एक नया ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण प्रारंभ करे। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2020 5 अगस्त को जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रामलला के दरबार में पहुंचे, उसमें सभी संत लोग विराजमान थे, और जब भूमि पूजन शिलान्यास हुआ, उस समय हमारे पास में कुछ संत लोग बैठे हुए थे और वो हमसे पूछ रहे थे कि वेदांति जी रामलला का मंदिर तो बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने कहा था काशी विश्वनाथ और भगवान कृष्ण का मंदिर भी बनना चाहिए। हमने कहा चिंता मत कीजिए, वो समय भी आने वाला है, वो समय जल्दी आएगा जब योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर भी प्रारंभ हो जाएगा। और अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो 11 सितंबर को वाराणसी की कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि जहां पर भगवान शंकर विराजमान थे वहां पर औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया था, इसलिए वही भगवान शंकर की भूमि है। और याद दिलाना चाहता हूं, जैसे योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन शिलान्यास हुआ, मंदिर बनना प्रारंभ हो गया, वैसे ही योगी आदित्यनाथ के रहने पर काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनना प्रारंभ हो जाएगा। और याद दिलाना चाहता हूं, एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि पर भी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए, भारतीय अध्यात्म जगत और सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए भगवान गोरखनाथ ने योगी आदित्यनाथ को इस मठ पर भेजा है।